नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मामूनी और एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। और वैसे थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग चुका होगा कि हम लोग आज कहां जाने वाले हैं। तो जी हां, तो आज हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स, जो कि बेंगलोर का एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। पहले भी हम एक बार गए थे नंदी हिल्स में, लेकिन हमें उतना एक्सपेक्टेड व्यूज देखने को नहीं मिला था सच्ची में, जैसा कि लोग बताते हैं। और हम लोग भी जैसे नेट पे देखते हैं ना कि बहुत, मतलब वहाँ का नजारा ही कुछ अलग रहता है। मानसून के दौरान लोग बताते हैं कि चारों तरफ फॉग से घिरा रहता है। तो इसी बात को जो सच्चाई है वही निकालने के लिए हम लोग आज जा रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा तो आपको भी पूरा सच्चाई पता चल जाएगा। आज हम लोग निकले 4:30 बजे घर से, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम लोगों ने मिस कर दिया था वो व्यू। तो इसीलिए लोग भी बताते हैं कि जो मेन जो एग्जैक्ट टाइमिंग रहता है वहाँ पे व्यू एंजॉय करने के लिए, वो रहता है आपका अर्ली मॉर्निंग। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और वैसे नंदी हिल्स तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन यहाँ तक आने का जो रोड जर्नी रहा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि इतने सुबह, मेरा तो हैबिट ही नहीं इतना सुबह उठना, तो बहुत दिनों के बाद हम लोग इतने सुबह घर से निकले थे। तो रास्ते में भी हमें बहुत एंजॉय किया, बहुत ही एडवेंचर्स भरा था, बहुत अच्छा लगा। वाओ, बहुत दिनों के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है, और आप भी ये व्यू एंजॉय कीजिए हमारे साथ। वाओ, और हम लोग जितना ही ऊपर जा रहे थे तो इतना ही घना कोहरा वहाँ पे छाया हुआ था, और इतना फॉग था, माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लास्ट टाइम तो हम लोगों ने मिस कर दिया था, लेकिन इस बार सच्ची में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फॉग था और विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर था वहाँ पे। तो हाँ, अभी जाके मुझे लग रहा है कि नहीं, हमने जो देखा था नेट पे वो सही है, और आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है वो हम लोग को भी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना ज़्यादा रश था उस दिन वहाँ पे, क्योंकि हम लोग गए थे वीकेंड में। और मैं भी आपको वही सजेशन दूंगी कि अगर आप आ रहे हो तो वीकेंड को, सैटरडे संडेज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमें पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा रस था। टिकट लेने में ही हमको 1 घंटा लगभग लग गया था। और हमें टिकट प्राइस पड़ा था 2 adults विथ व्हीकल चार्जेस मिला के 90 rupees। अभी हम लोग मेन एंट्री गेट से होते हुए नंदी हिल के ऊपर तक जा रहे हैं, और जाते हुए हमें इतना फॉग मिला, और ये जो कोहरा है जैसे बारिश की तरह गिर रहा था, और बहुत ही ठंडा भी था वहाँ पे प्लेस। तो अगर आप जा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा साथ में अम्ब्रेला लेके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो फॉग है वो पूरा बारिश की तरह गिरता है। और दोस्तों, आप भी अगर ऐसा व्यू एंजॉय करना चाहते हो नंदी हिल्स का, तो इसके लिए बेस्ट टाइमिंग आपको रहेगा 6 से लेके 8 बजे तक सुबह, और इतने में आपको नंदी हिल्स के एंट्रेंस तक पहुँच जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल्स के व्यू पॉइंट में, और जाते समय नंदी हिल्स के सराउंडिंग में बहुत सारे बंदर देखने को मिले हमें, लेकिन आप जब भी जाइएगा कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे भी मना रहता है कि बंदर को कोई खाने का चीज़ ना देने के लिए, क्योंकि बाद में हमें परेशानी होती है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा उनको कोई खाना वाना नहीं देने के लिए। और अभी मुझे लग रहा है दोस्तों, क्यों हमें लास्ट टाइम ये वाला व्यू देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग आए थे लगभग 10 बजे के बाद, तो उस टाइम पे ऐसा नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोशिश कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग पहुँचने में, तभी आपको ऐसा ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्या ही बोलूँ, तो आप भी हमारे साथ व्यू एंजॉय कीजिए। Take
back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. और अभी हम लोग नंदी हिल्स के मेन व्यू पॉइंट में पहुंच चुके हैं, जहां से सबसे अच्छा सीनिक व्यू देखने को मिलता है। वाह, यहां से आप खुद ही देख सकते हो जो बादल है, मतलब इतने नजदीक से गुजरते हुए देखने को मिलता है। नंदी हिल्स के व्यू पॉइंट के बिल्कुल सामने एक बहुत ही पुराना टेंपल है और नंदी हिल्स अपने इस टेंपल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और ये टेंपल जो है वह चोला राज्यों द्वारा बहुत सालों पहले, बहुत हजारों सालों पहले बनाई गई थी। इस मंदिर में महादेव, पार्वती जी और नंदी जी की पूजा होती है। इसी मंदिर के ठीक पीछे बहुत ही अच्छा एक सीनिक व्यू है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जगह की पता नहीं होगा क्योंकि ये मंदिर के ठीक पीछे में ही आता है और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पे है ना, नंदी हिल्स पहुँचने के बाद ऊपर तक जाने के लिए यहाँ से बस फैसिलिटीज है, जो कि उसके लिए चार्जेस वगैरह लगती है, लेकिन फिर भी जो लोग एल्डर्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे किया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो यहाँ पे आके आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो बहुत ही चीप अफोर्डेबल प्राइस में, और खाना भी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, मैं आपको वही बताना चाहूँगी, अगर आप बेंगलोर पे रहते हो तो वन डे टूर के लिए जगह बहुत ही बेस्ट है। सुबह पे आप निकल के दोपहर तक घर पहुँच सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार मस्ट विजिट कीजिएगा इस जगह पे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये प्यारा वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो उन्होंने अभी तक ये चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।